ये पिछले बार जब मैं आया था तो दुकानें बंद थी। ये हाइकिंग स्टिक्स है, ये आपको मिल जाती है यहाँ से। अंकल ठंड है, ठंड। ये फिर रास्ता इस तरह नैरो आ गया और स्लिपरी है, तो ये इस तरह रस्सी है। मैंने हाइकिंग स्टिक पकड़ी हुई है पर फिर भी ऐसे रस्सी पकड़ के जा रहे हैं। अच्छा जी, आज है डे 3 और ये इस वक्त मैं अंकल में खड़ा हूँ, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। और ये आप देख सकते हैं कि सामने सारी बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। ये ऊपर हमने जाना है अंकल में और सुना है वहाँ 2 फुट बर्फ पड़ गई है। तो बस सामान वामान रख लिया गाड़ी में, थोड़ा बहुत रह गया वो ऊपर रख के, तो तरपाल बांध के एक जगह से नाश्ता करना है, उसके बाद चलते हैं अंकल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छा जी, हम केल से आ गए हैं। ये वैसे तो मैंने एक माह पहले भी इसके बारे में कंप्लीट वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो आपको कार्ड में लिंक आ रहा होगा, उसमें मैंने सारा बता दिया था। ये पार्किंग है, यहाँ से गाड़ी खड़ी करके आगे जाना है। यहाँ आने के लिए आपके पास इस तरह की हाइकिंग स्टिक होना लाजमी है और ऐसे जूते होने लाजमी है, अच्छे हाइकिंग वाले जो स्लिप ना हो। आज हमने एक ये लिए हैं गाइड। ये पिछले बार जब मैं आया था तो दुकानें बंद थी। ये हाइकिंग स्टिक्स है, ये आपको मिल जाती है यहाँ से। अभी कितने ले रहे हैं इसके एक स्टिक के? 50 रुपए। आप स्टिक आपने वापसी पे यहाँ पे वापसी देनी है। और पिछले बार जब मैं आया था तो दुकानें बंद थी, आज दुकानें खुली, ये सारी दुकानें, आगे भी स्टिक्स मिलती है पर अभी हमने यहाँ से ले ली है। अच्छा, ये यहाँ से रास्ता आता है, आप पीछे एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे अपना अपना सीरियस ही दे रहे हैं। और ये लिफ्ट है, मैंने पैसे वीडियो बनाई हुई है पूरी, वो वीडियो देख लेगा उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगी। अभी हम बैठ रहे हैं लिफ्ट में, ये हमें आगे लेके जाएगी अरंकेल। सामने सारा जो है अरंकेल है। लिफ्ट में मैं बैठ गया हूँ, ये अब जा रही है और ये अब जा रहे हैं आगे। ओहो, इतनी ठंडी हवा है। अच्छा, ये अब लिफ्ट चल गई है, पहले इतनी ज्यादा ठंडी हवा आती थी, आज तो बर्फबारी हवा है। अयुबगल हवा कैसी है इधर, किधर से हवा कैसी है? अरे बाप रे बाप, फुल स्पीड का एसी है जी, फुल स्पीड का एसी चल रहा है। और ये हाइट है, मोबाइल ना नीचे गिरा लेगा, मोबाइल ना गिरा दिएगा। ये वहां पे जा रहे हैं, अबे खिड़की के पास बंद करते करते वहां बंद करते करते पहुंच जाएंगे अंकल। हां ठंड है, ठंड। मैं तो खिड़की के पास बैठा हूँ, मुझे तो यही से ऐसी लग रही है। ये ओरिजिनल इनका रिएक्शन था, इसको भी ऐसे ही डालूंगा। यहाँ से 1 घंटे की हाइक होती है, ये आ गए हम यहाँ पे। और ये हमारे हाथ निकालो अंकल, हाथ निकालो अंकल, कौन क्या करो। ये लिफ्ट से उतर के यहाँ आ गए हैं, सारा बर्फ पड़ी हुई है यार, बात ये वो वहाँ मैं नीचे से आया हूँ। इसी तरह सारा रास्ता है, पहले ये रास्ता जाता था यहाँ पे, इस तरह करके स्टेप्स बनाए थे और ये बर्फ की वजह से बंद हो गई। सांस मुझे चढ़ा होगा। ये मामू और युवंकल ने तो 4x4 लगाया हुआ है और जाते जा रहे हैं, हम थोड़ा साथ साथ सांस लेके जा रहे हैं। बाकी जो रेस्ट एरिया थे वहाँ से बेंचेस वगैरह उन्होंने उठा दिए। और ये रशीद साहब है, ये नया रास्ता बनाया तो इस दफा हमें ये लेके जा रहे हैं। अच्छा, जब तकरीबन हाफ हो गया, बस ये थोड़ा सा रह गया। और रास्ता ये गर्मियों के अलावा, जब गर्मियों में आते हैं तब तो टफ होता है, अभी सर्दियों में और ज्यादा टफ है क्योंकि कई जगह बर्फ, मुझे सांस भी देखा होगा आपने चढ़ा हुआ, ऑक्सीजन बहुत कम है इस दफा यहाँ पे क्योंकि दरख्त काफी सारे जो है वो सूख गए हैं। उसके अलावा कई कई जगह बर्फ पड़ी हुई है, उस वजह से कहीं से रास्ता कहीं की जगह से इतना नैरो भी हो गया है, इस कोने से आना पड़ता है, ये वाले कोने से, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लिपरी है। बाकी ऊपर जाके देखते हैं कि अंकल कैसा लगता है सर्दियों में। ये आपको 2 भाई नजर आ रहे होंगे, इन्होंने ये सारा रास्ता सेट किया है, तो इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने ये रास्ता ही देखे। इस तरह ये बेलचे मार के, तो ये क्योंकि बर्फ यहाँ पे है तो यहाँ पे स्लिपरी बहुत ज्यादा है, इस तरह ये बेलचा मार के तो मिट्टी फेंक रहे हैं यहाँ पे। और ये इनको किसी मतलब के ओपन है, मतलब वैसे आगे कर रहे हैं, इनको किसी ने कहा नहीं है, तो लोगों की आसानी के लिए आगे इस तरह कर रहे हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको तंगी ना हो, क्योंकि रास्ता सारा देखे इस तरह से है, सारी बर्फ पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा स्लिपरी है। ये सामने देखे आ रहे हैं और यार इधर से आए, उधर ज्यादा स्लिपरी है, अब इधर से आए हैं, इस वजह से बेलचे से साफ कर रहे हैं। इस तरह सारी ये बर्फ पड़ी हुई है और अभी ऊपर तक इसी तरह ही है, काफी थोड़ा सा रह गया, अब 2-3 और होंगे, पर रास्ता अब सारा इसी तरह का है।
अच्छा जी, अब थोड़ा सा रह गया। ये सामने आपको रस्सी नजर आ रही होगी, ये रस्सी जो है, ये रस्सी सिर्फ क्योंकि आगे रास्ता जो था बहुत नैरो था, इस वजह से ये रस्सी लगा देती। हम भी रस्सी पकड़ के ऊपर आए हैं और अब ये थोड़ा सा रह गया। रास्ता भी यहाँ पे काफी बेहतर हो गया है। बाकी मैं आपको अंकल ऊपर पहुंच के मिलती हूँ। फिर रास्ता इस तरह नैरो आ गया और स्लिपरी है, तो ये इस तरह रस्सी है, मैंने हाइकिंग स्टिक पकड़ी हुई है और फिर भी ऐसे रस्सी पकड़ के जा रहे हैं। और सांस आपने देखा होगा, चढ़ा होगा, अभी ऊपर तक इस तरह रस्सी लगी हुई है और ये ऊपर बस थोड़ा सा जाना है, बस ऊपर जाते हैं अब। अच्छा जी, ये थोड़ा सा रह गया है ऊपर, ये ऊपर जाना है और ये आपको कोरा नजर आ रहा होगा, ये नीचे सारा इस तरह जमा हुआ होता है। वो पीछे जो आपको मैं दो भाई दिखाए थे वो इस तरह मिट्टी डाल रहे हैं। और मैं अगर केला यहाँ पे आता तो यहाँ मैंने अपनी कमर तोड़ लेनी थी, यहाँ कैमरा तोड़ लेना था। ये मैं इस तरह अल्ताफ भाई का हाथ पकड़ के ऊपर आया हूँ, रशीद भाई का हाथ पकड़ के इस तरह ऊपर आया हूँ। और ये सारी सिचुएशन है, अब बस ये एक मोर है, इसके बाद अरंकेल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तकरीबन ऊपर पहुंच गए हैं। ये थोड़े से स्टेयर्स हैं बस, ये स्टेयर्स ऊपर, आगे सारा अरंकेल है। मैं ऊपर जाके आपको सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ और फिर वहाँ जाके देखते हैं कि कुछ करने को है तो कुछ करेंगे, वरना फिर वापस नीचे चलेंगे। अभी मैं आपको ऊपर जाके सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ। ये अजय अंकल, अयो आपको सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे, ये सर्दियों में कुछ इस तरह से लगता है। और अभी यहाँ पे और बर्फ पड़नी है, अभी तो ये सिर्फ एक डेढ़ फुट बर्फ पड़ी है, अभी यहाँ पे और बर्फ पड़नी है। बाकी सर्दियों में ये किसकी हाइक मुश्किल है, और ये जो दोनों मौसम में जो है इसकी खूबसूरती अलग अलग है। गर्मियों में जब आए थे तो ये सारा ग्रीन ग्रीन था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, और अब सर्दियों में आए हैं तो ये सर्दियों में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरह ये सारी बर्फ है, पहाड़ों पर सारी बर्फ गिरी हुई है और सर्दी बहुत ज्यादा है। मैं अच्छा खासा पैक होकर आया हूँ, इस तरह मैंने सारी जैकेट वगैरह पहनी हुई है, अच्छी खासी सर्दी लग रही है, टोपी वगैरह पहनी हुई है। और ये रशीद भाई है, ये हमें ऊपर लेके आए और यही हमें अब नीचे लेके जाएंगे। अयूब अंकल वो फिर रहे हैं, मामू ये फिर रहे हैं, बस ये थोड़ा फिर ले तो फिर चलते हैं नीचे। इसका नाम अली है, इसका नाम मुदस्सिर है, मेरा नाम भी अली है और अयूब अंकल इनके साथ आए हैं। ये अयूब अंकल को हमसे पहले ले आए थे और बस अब अयूब अंकल आ रहे हैं, वो सामने खड़े हुए अयूब अंकल की लड़कों की वीडियो बना ले गए हैं। बस अयूब अंकल आ जाए तो फिर चलते हैं नीचे। अच्छा जी, ये वो सामने सारा अंकल है, अब नीचे उतरने लगे हैं, तो मैं आपको जीप के पास जाके बताता हूँ कि आगे का क्या सीन है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गिरते गिराते नीचे आ गए हैं, ये लिफ्ट भी आ गई है, अब बैठते हैं। जी अयूब अंकल कैसा था? अरे माशाल्लाह जबरदस्त जी मामू, यादगार रहेगा माशाल्लाह। बाकी अब लिफ्ट आ गई है, लिफ्ट में बैठते हैं और केल सेक्टर में चलते हैं, केल पॉइंट के सामने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये हम आ गए हैं जी केल सेक्टर और ये सामने सारा अंकल एक बार फिर से देख लें, ये इतनी बर्फ पड़ी हुई है। और अब चलते हैं गाड़ी के पास, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के पास आ गए हैं। अब हम जाएंगे ऐसे कुटन, कुटन का मैं ज्यादा शूट नहीं करूंगा, पहले उसके मैंने दो ब्लॉग बनाए हुए हैं कुटन के, तो वो आप इसलिए कश्मीर 2.0 की सीरीज आ रही होगी प्ले लिस्ट में, उससे उसमें देख लेगा। बाकी अब चलते हैं कुटन की तरफ। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन
7:09 और ये हम कुटन पहुंच गए अपने होटल में। यहाँ लाइट बंद है तो अभी मैं कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जनरेटर की आपको आवाज आ रही होगी। तो बाकी ये था आज का व्लॉग, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये ड्राइव स्टॉप अरंकेल की दूसरी वीडियो है, आप अरंकेल ड्राइव स्टॉप लिखेंगे तो एक वीडियो इससे पहले वाली भी आ जाएगी, उसमें कंप्लीट गाइड है रस्ते की, तो वो भी देख लेगा। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, ड्राइविंग स्टाइल विद ड्राइव स्टॉप। थैंक यू।